कि नीपा वायरस के फैलने का संबंध इस पल से ही हो सकता है। दरअसल इस पल को जिन बच्चों ने खाया था वो सभी नीपा वायरस से ग्रस्त हो गए। इसमें से एक बच्चे की मौत भी हो गई। इसके बाद इस पल के सैंपल को NIV पुणे यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे जांच के लिए भेजा गया है। ये फल आमतौर पर देश में उतना चर्चित नहीं है, लेकिन दक्षिण एशियाई देशों में ये फल खूब होता है और लीची जैसा दिखता है। इसे रामबूटन या रामाबूटान फल कहा जाता है। अब तक इस फल को फायदेमंद फल के तौर पर जानते थे, हालांकि इसका नुकसान भी है, लेकिन इसे वायरस फैलाने वाला फल कभी नहीं माना गया। ये भी संभव है कि इस फल को चमगादड़ ने झूठा किया हो और इसी कारण उन बच्चों में ये वायरस फैल गया हो, क्योंकि जब पिछली बार केरल में नीपा फैला था तब भी ये फल और चमगादड़ दोनों चर्चा में आए थे। दरअसल ये फल लाल रंग के बालों से कवच वाला होता है, जिसके अंदर लीची जैसा मीठा गुदेदार फल होता है। हालांकि ये कहा जाता है कि इस फल के पेड़ पर चमगादड़ भी अपना बसेरा बना लेते हैं। इस फल में औषधीय गुण बहुत सारे होते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, राइबोफ्लेविन, नियासिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। फाइटोकेमिकल्स नाम का यौगिक पाया जाता है, जिसे एंटी डायबिटिक, एंटी एलर्जिक और एंटी माइक्रोबायल माना जाता है, जो शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाने में मदद करता है। ये शरीर में एनर्जी का लेवल भी बढ़ाता है, साथ ही इससे ताजगी भी महसूस होती है। इसमें कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में होता है। इसमें विटामिन सी और ए भी काफी मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। रामबूतान फल खाने से पाचन क्रिया भी सही रहती है। इसको डाइट में शामिल करने से गैस और अपच जैसी दिक्कतों को कम करने में मदद मिलती है। ये भी पाया गया है कि सेहत ही नहीं बल्कि सौंदर्य को भी निखारने में मदद करता है। इसके सेवन से बालों में मजबूती और चमक आती है, साथ ही बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। अब बात करें इस फल के नुकसान की, तो इसमें क्योंकि पोटाशियम होता है, इसलिए इसे ज्यादा मात्रा में खाने से उल्टी और डायरिया हो सकता है। इसके छिलके से निकले हुए अर्क का ज्यादा सेवन करने से शरीर में टॉक्सिक लेवल बढ़ सकता है। ज्यादा मात्रा में विटामिन सी का सेवन करने से पेट खराब और दस्त की शिकायत हो सकती है। आज की हमारी इस जानकारी में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल।